हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं परमिंदर आपके चैनल पीएस प्रॉपर्टीज में आज आपके ले गया हूँ 200 गज में 6 BHK इंडिपेंडेंट हाउस, जो कि चमचमाता घर मेरे बैक साइड देख रहे हैं, सबसे प्राइम लोकेशन पे। इसके बैक साइड बिल्कुल आती है 200 फिट रोड, जो कि गोपाल से न्यू चंडीगढ़ की तरफ जा रही है, और सामने वाली साइड आती है 100 फिट रोड, जिसको कंबोज हॉस्पिटल रोड कहते हैं। ये बिल्कुल सामने की तरफ जो है हमारी मिल जाती है जी। तो लोकेशन सबसे प्राइम रहने वाली है। अगर आप मेरे इस साइड देखेंगे तो सामने गाड़ी खड़ी है, इसके बिल्कुल पीछे बैडमिंटन कोर्ट रहने वाला, बास्केटबॉल कोर्ट रहने वाला और पार्क मिलने वाला है जी। तो यहाँ की सनी इनक्लेव की सबसे जो प्राइम लोकेशन है, इस लोकेशन पे घर लेके आए हैं। सेक्टर 125 फ्रंट पॉकेट रहने वाली है, प्राइम लोकेशन रहने वाली, और बहुत ही प्यारा इसका इंटीरियर और फ्रंट एलिवेशन रहने वाला। अगर आप इसका एलिवेशन देखेंगे तो बहुत ही प्यारा जो है एलिवेशन मिल जाता है, बिकॉज जो इसमें काम है वो बहुत ही प्यारा हो रखा है। और अगर देखेंगे इसका फ्रंट एलिवेशन, बहुत ही वाइड सी लुक रहने वाली है। तो एक घर से अगर हम बाहर की लुक देखते हैं तो 250 गज की लुक आ रही है, इतना प्यारा हमें जो है फ्रंट एलिवेशन मिल जाता है। बाकी अगर देखेंगे तो ट्रिपल रूफ हमारा मिलने वाला है, ऊपर सर्वेंट रूम होने की वजह से भी हमें जो है ट्रिपल स्टोरी फ्रंट से लुक आती है। ऊपर शीट्स लगी हुई है, प्रॉपर वाटरप्रूफिंग एंड स्टील प्लस ग्लास की रेलिंग है, क्रीम प्लस ब्राउन प्लस ब्लैक कलर की हमने जो है टाइल्स लगा रखी हैं, जिस वजह से जो है एलिवेशन बहुत ही प्यारा मिल जाता है। ऊपर जो है हमने लूपर की शीट्स लगा रखी हैं, जिसमें कि प्रोफाइल लाइट मिल जाती है, तो एक लुक बहुत ही अच्छी निकल के मिल जाती है जी हमें। और इस साइड आ जाती है जी हमारे पास दो गाड़ियों की पार्किंग, एक गाड़ी की पार्किंग हमारे पास यहाँ पे लग जाएगी और एक गाड़ी की पार्किंग हमारे पास यहाँ पे मिल जाती है जी। तो डबल गेट रहने वाला है हमारा घर। तो जैसे कि आपने देखा, ये हमारा एक मेन गेट ये मिल जाता है और एक छोटा गेट हमने आयरन का ये लगाया हुआ है जी। तो जब हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाती है 7 सीटर गाड़ी की पार्किंग, जिसमें कि ब्लैक जो है नीचे हमारा जो है मार्बल मिल जाता है, यहाँ पे नीचे प्रोफाइल लाइट लगी हुई है। इस साइड हमारे पास जो है 2-व्हीलर की स्पेस मिल जाती है, नीचे 3000 लीटर का वाटर टैंक आ जाता है, और यहाँ पे ग्रीन एरिया की हमारे पास स्पेस मिल जाती है। तो दोनों चीज़ों का हमने ध्यान रखा है, थोड़ा सा हमने ग्रीन एरिया भी बनाया और जो है पार्किंग का भी हमने प्रॉपर ध्यान रखा है जी। तो यहाँ पे स्टील प्लस ग्लास की रेलिंग मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छी हमारे पास पार्किंग की स्पेस मिल जाती है। आउटर स्टेयर्स रहने वाला ऊपर तक इसकी जो है, सेकेंड फ्लोर तक हमारी मोमटी तक स्टेयर जाती है जी इसकी। 6 BHK हाउस मिल जाता है जी ये। तो ये आ जाता है जी हमारा मेन डोर, जो कि प्रॉपर वुडन का रहने वाला है। तो जब हम इसका लेआउट की बात करें तो सबसे पहले एंटर करते हैं राइट साइड में हमने बनाया जी ड्राइंग एरिया। तो प्रॉपर हमारा लेआउट है सेपरेट। अगर हम ड्राइंग रूम में आते हैं तो यहाँ से हमें जो बिल्कुल भी किचन विजिबल नहीं रहती, इतना अच्छा इसका लेआउट मिल जाता है। ऊपर फॉल सीलिंग, यहाँ पे डबल विंडोज मिल जाती हैं, लाइटनिंग बहुत ही प्यारी मिल जाती है। और फिर यहाँ से हमने पार्टीशन लगा के इस साइड आ जाता है जी हमारा डाइनिंग का एरिया। तो डाइनिंग की स्पेस देखें, बहुत ही अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे हमने जो है पूजा घर की स्पेस बनाई हुई है जी, पूजा घर की यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। इस साइड हमारा जो है LED पैनल आ जाता है, और इस साइड हमारी बड़ी सी किचन आ जाती है। किचन का साइज देखें तो बहुत ही बड़ी जो है हमारे हमारी साइज में किचन मिलने वाली है, एक तरह की सेपरेट भी हो जाती है। इसके सारे वार्डरोब जो हैं, अगर यहाँ से बात करें तो बाहर से एंट्रेंस भी दिख जाती है, यहाँ पे जो है हमारा स्टॉक आएगा। और उसके अलावा इस साइड जो है हमारे पास प्रॉपर यहाँ तक हमारे जो है वार्डरोब आ जाते हैं। यहाँ डबल डोर फ्रीजर की स्पेस मिल जाती है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पेंट्री है, जिसमें कि अभी ग्लास वगैरह लगेंगे जी। इसके बेडरूम्स में बेड वगैरह जो है सारे इंक्लूडिंग लगा के दे रहे हैं जी हम। तो इसमें आ जाती है हमारी ऊपर फॉल सीलिंग, यहाँ पे मिल जाती है जी हमारे वार्डरोब्स, और इस साइड हमारे वॉलपेपर्स, बेड्स वगैरह सेम एज इट इज रहने वाले। लेदर बैग भी बना रखी है और बेड भी हमारे लगे हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस साइड हमारे वॉशरूम आ जाते हैं जी। तो काफ़ी अच्छे साइज के साथ वॉशरूम रहने वाले हैं, बाकी सारा कुछ ही सेम एज इट इज हमें मिलने वाला है। अगर आप देखते हैं तो प्रॉपर वार्डरोब्स के साथ जो है हमारे लेदर बैग के साथ यहाँ पे ड्रेसिंग मिल जाता है, सारी चीज़ें हैं जी हमारे, मैट्रेस वगैरह आनी है जी, सैनिटरी फिटिंग भी सारी जो है हम लगा के देंगे जी इस घर में। ये बैक साइड में आपको जो है लाइट सी दिख रही होगी, ये बिल्कुल
बैक साइड पे जो है हमारा मेन हाईवे रहने वाला, ऊपर चल के आपको दिखाएंगे, बैक साइड वॉशिंग एरिया रहने वाला है। और बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे वेंटिलेशन घर के अंदर मिलने वाला है, घर का इंटीरियर पे आ रहा है, वो सारा कुछ जो है एज इट इज रहने। ये पैच वगैरह देने का रीजन है कि जो लेदर बैक है, जो इंटीरियर है, इंटीरियर डिजाइन है, वो सारा ही एक कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो है हमें देखने को मिल जाता है जी। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है जी, इसको हम मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। दोनों हमने जो है लेआउट इसमें बना रखे हैं, एक जो है रूम के अंदर वार्डरोब्स बनाया और इसके हमारे वॉकिंग क्लोजेट्स पे आ जाते हैं। ऊपर देखेंगे तो फॉल सीलिंग में टीक वुड का जो है काम है वो बहुत ही प्यारा मिल जाता है। यहाँ पे लेदर बैक वाले हमारे जो है बेड बैक पे जो है हमारी बेड बैक आ जाती है, नीचे हमारा बेड आ जाता है, यहाँ पे हमारा जो है एलईडी पैनल आ जाता है, लाइटनिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा देखने को मिल जाता है, इस रूम से भी हमारी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और इस साइड हमारा जो है आगे जी ड्रेसिंग एरिया और इस साइड हमारे वार्डरोब्स एरिया आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर हमारा जो है वार्डरोब्स एरिया रहने वाला है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर सारी अलमीरा छोटे छोटे स्पेस के अकॉर्डिंग हमने सारे बना रखे हैं, जितने भी हमारे कपड़े हैं उसको रखने में हमें जो है ईजी रहेगा जी। और ये आ जाता है हमारा वॉशरूम, वॉल माउंटेड सीट्स हैं, जैगुआर की सारी जो है फिटिंग्स पूरे घर में लगेंगी, 200 गज इसका साइज रहने वाला है, 30x60 डायमेंशन रहने वाला है और ट्रिपल स्टोरी जो है हम कह सकते हैं जी, ढाई स्टोरी कह सकते हैं इसको क्योंकि ढाई मंजिल प्रॉपर बना हुआ है, तो ये घर रहने वाला। बाहर से स्टेयर है, ऊपर चल के दिखाते हैं ऊपर से घर कैसा है। तो ये पहुंच चुके हैं जी हम फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे कि देखा यहाँ पे जो है इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा घर का रहने वाला है। इवनिंग के टाइम अगर घर का हम लाइटें जला के व्यू देखेंगे तो वो बहुत ही प्यारा आने वाला है। स्टील प्लस ग्लास की रेलिंग है, अगर गली में देखेंगे तो प्रॉपर ट्रीज लगे हुए हैं जी, हमने ट्रीज को जो है एरिया ग्रीनरी थोड़ा सा ग्रीन एरिया नेचर फ्रेंडली एरिया कह सकते हैं। और सेकेंड जो है हमारी आ जाती है वेलकम वॉल, ऊपर प्रोफाइल लाइट्स के साथ हमारा जो है आ जाता है जी फॉल सीलिंग। तो ये आ जाते हैं जी हमारा फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन, जिसमें कि ये हमारा जो है ड्राइंग एरिया आ जाता है, ये हमारा जो है डाइनिंग एरिया आ जाता है और साथ में जो है किचन मिल जाती है जी हमें। काफ़ी अच्छी जो है किचन का सरमाइका जो है एक यूनिक सा कलर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ऊपर फॉल सीलिंग, माइक्रोवेव ओवन का प्रोविज़न मिल जाता है। फॉल सीलिंग में देखेंगे तो यहाँ पर लाइट्स मिल जाती हैं और इस साइड जो है हमारा आ जाता है बेडरूम। तो काफ़ी अच्छे साइज के साथ जो है हमारा बेडरूम मिलने वाला है, ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है और इस साइड हमारा जो है हम चाहे ऊपर वाले पोर्शन को इस रूम को हम पूजा घर रूम के साथ अटैच करना चाहें, जैसे कि हमारे पहले टाइम पे फैमिली होती थी जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको घर के साथ ही पूजा घर का हम स्थान बनाते थे, तो वैसे जो है आप बना सकते हैं। बाकी ये हमारा जो है बेडरूम आ जाता है, जिसमें कि जैसे आपने नीचे वार्डरोब्स देखे वैसे वार्डरोब्स हमारे ऊपर आ जाते हैं, इस साइड हमारा जो आ जाता है वॉशरूम। तो आपको लोकेशन के बारे में दिखाएंगे जी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये लोकेशन जो है वो बहुत ही प्राइम रहने वाली। तो बैक साइड अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो है मेन 200 फीट रोड दिख जाएगी जो गोपाल से न्यू चंडीगढ़ की तरफ जा रही है, ये मेन हाईवे आ जाता है। बिल्कुल हमारे राइट साइड पर जो है 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में हमारा गोपाल स्वीट रहने वाला है, मेन हाईवे बैक साइड में रहने वाला, आगे 100 फीट रोड रहने वाली, लोकेशन बहुत ही प्राइम हमारी मिल जाती। तो ये आ जाता है जी हमारा फोर्थ बेडरूम, जिसमें कि एलईडी पैनल, फुल वॉल वार्डरोब्स, वॉलपेपर्स, फॉल सीलिंग, ड्रेसिंग, सारा कुछ जो है हमें मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर टाइल्स वर्क मिल जाता है, इस रूम से भी हमने जो है कनेक्टिविटी बना रखी है जी। पीछे वॉशिंग एरिया की लकड़ के सारे ही जो चगाठे हैं प्रॉपर लकड़ की रहने वाली हैं, टीक वुड की जो है चगाठे, दरवाजे, जितना भी काम है टीक वुड द्वारा रहने वाला है। और इसमें जो है एक पोर्शन हमने जो है यहाँ पे बना रखा है। तो अगर जैसे कि आप देखें, अगर हमने जो है एक रूम अगर रेंट आउट कुछ फैमिलीज की रहते कि हमने शिफ्ट नहीं होना है या फिर हमने बाहर रहना है, ज़्यादा नहीं रहना, हमें केयर टेकर के लिए एक रूम रेंट आउट करना है, तो यहाँ पे हमें वो भी इस रूम इस घर में हमें प्रोविजन मिल जाएगा। बिकॉज इस पोर्शन की एंट्री सेपरेट है, इस पोर्शन की एंट्रेंस सेपरेट मिल जाती। तो जैसे कि आप यहाँ से देखें तो इस रूम के साथ जो है हमारा
प्रॉपर एक पोर्शन मिल जाता है, जिसमें कि अगर आप एक रूम देखभाल के लिए रेंट आउट करना चाहें यहाँ वो भी कर सकते हैं। प्रॉपर ऊपर फॉल सीलिंग वार्डरोब, यहाँ पे जो है डबल विंडोज, एलईडी पैनल और हमारे वॉलपेपर मिल जाते हैं। ये हमारे वार्डरोब्स आ जाते हैं और ये जो है हमारा वॉशरूम आ जाते हैं। तो प्रॉपर सारी जो है 1 BHK के क्लाइंट 1 BHK रेंट आउट करने के लिए प्रॉपर सारी हमारी जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। बाकी ऊपर भी हमने जो है एक रूम बना रखा, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं जी। तो ये हम पहुँच चुके हैं जी सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे मिल जाता है जी हमें सर्वेंट रूम, जो है ऊपर जो है सर्वेंट के लिए हमने रूम बना रखा है, प्रॉपर वॉशरूम बना रखा है। ये जो अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो है हमने शीट्स लगा के वाटर प्रूफ यहाँ पे ट्रैक्स लगाइट लाई हैं, यहाँ भी हम सिटिंग एरिया बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू आ जाता है जी यहाँ पे, देखें स्टील प्लस ग्लास की रेलिंग मिल जाती है। तो अगर आप ये देखेंगे तो प्रॉपर जो है छत के ऊपर टाइल्स मिल जाती हैं हमें, और उसके अलावा काफ़ी अच्छी छत रहने वाली है 30x60 के डिमेंशन में। पीछे हमारा मेन हाईवे आ जाता है, एयरपोर्ट रोड आ जाती है, इस साइड हमारा गोपाल स्वीट आ जाता है, प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया रहने वाला है। अगर आप ये देखेंगे तो डबल जो है हमारी टैंक रहने वाले हैं अलग अलग फ्लोर के, और जो इस सर्वेंट रूम का उसकी टैंक हमारा ऊपर रहने वाला। तो तीन टैंकियाँ हमारे घर में 3000 लीटर की रहने वाली हैं, नीचे 3000 लीटर का वाटर टैंक मिलने वाला है। तो एक टाइम का 6000 लीटर का हमें जो है वाटर की कैपेसिटी मिल जाती है, 2 टाइम पानी आ जाता है, तो 9000, 6000 और 12000 लीटर बहुत पानी रहता है। तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी जो छोटी छोटी घर में चीज़ों का ध्यान रखा है। तो इसकी डिटेल जानने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।